के लिए ना सबसे पहले क्या चाहिए होगा? आप यहाँ पे आएंगे गिटहब में, सही है, github.com में रिपोजिटरीज में आप आके ये न्यू का बटन देख रहे हैं, ये न्यू का बटन आपने प्रेस करना है। न्यू का बटन प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट रेपो, ठीक है। इसको आप पब्लिक भी रख सकते हैं, प्राइवेट भी, बेहतर ये है कि आप पब्लिक रखें, ठीक है। प्राइवेट करने की क्या ज़रूरत है बिला वजह? प्राइवेट हम वो कोड रखते हैं जो क्लाइंट्स का कोड होता है, कोई हम किसी के लिए काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, ठीक है, उनके प्रॉब्लम, तो उसको मजबूरन प्राइवेट रखना पड़ता है। वरना आप फेसबुक पे आप इमेजिन करें, पोस्ट कर रहे हैं, कोई शेयर कर रहे हैं चीज़, तो प्राइवेट करके तो नहीं करते ना, एटलीस्ट उसको फ्रेंड्स पे करते हैं आप या पब्लिक करते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ों को किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट रिपोजिटरी का बटन दबा देना आपने, ठीक है। अच्छा, फेसबुक पे शेयर करने से ना थोड़ा सा मुख्तलिफ है ज़ाहिर है। फेसबुक पे तो ये होता है आप जाते हैं, पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और शेयर, लेकिन इसमें तो जो क्योंकि आप अपना प्रोग्राम, अपना कोड शेयर करते हैं, तो उसके लिए पहले आपके पास कोड होना ज़रूरी है ना, पहले आपके पास क्या ज़रूरी है? कोड होना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये आपने एक ना बना दिया डब्बा, रिपोजिटरी बना दिया आपने, एक बॉक्स बना दिया है इस प्लेटफॉर्म पे आपने। अच्छा, ये बॉक्स बनाने के बाद इस बॉक्स को आपने कहाँ लेके जाना है? अपने कंप्यूटर में क्लोन करना है इसको, आपने इसकी एक कॉपी अपने कंप्यूटर में आपने लेनी है। अच्छा, वो आप कैसे लेंगे? ये आप देख रहे हैं यूआरएल सामने, ठीक है, ये यूआरएल, इसको कॉपी करेंगे आप। ये बटन मैंने प्रेस किया, इससे कॉपी हो गया ये, राइट। अच्छा, ये कॉपी करने के बाद मैं अपने कंप्यूटर में आऊँगा किसी भी जगह पे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ, ये डेस्कटॉप है मेरा, सही है, ये डेस्कटॉप पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये बहुत सारे फोल्डर्स हैं डेस्कटॉप पे, ये मौजूद हैं सारे। अच्छा, मैं डेस्कटॉप पे आके क्या बोलता हूँ, सही है, ये डेस्कटॉप पे आके ना मैंने सीएमडी ओपन कर लिया है। अच्छा, ये डेस्कटॉप पे आके सीएमडी कैसे ओपन होगा? अच्छा, मैंने तो शॉर्टकट सेट किया है बहरहाल, लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे सीएमडी, ठीक है। ये मैक पे हूँ मैं इस वक्त, तो मैक का भी आपको बता देता हूँ और मैं विंडोज़ का भी बता देता हूँ, दोनों का आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। अच्छा, ये जब मैं सीएमडी खोलता हूँ ना, तो ये खुलता है अलिफ मद्दा पे, यानी होम पे खुलता है, ठीक है। अच्छा, जब विंडोज़ में आप खोलते हैं तो वो सी ड्राइव में होपफुली खुल रहा होता है, तो वो यहाँ पे खुल रहा होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, सी डी टाइप करते हैं, ये मैक और लिनक्स के अंदर इस तरह कर रहे होते हैं आप। सी डी टाइप करने के बाद आप क्या करते हैं, जो भी फोल्डर आपको चाहिए होता है ना इसके अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे केस में मुझे चाहिए डेस्कटॉप, तो ये डेस्कटॉप मौजूद है, इसको मैं ड्रैग करके, ड्रैग में कोई मिस्टेक की मैंने, इसको ड्रैग करके मैं यहाँ ला के ड्रॉप कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये डेस्कटॉप पे चला जाता है, ठीक है। विंडोज़ के अंदर ऑन अदर एंड आपको क्या करना होता है, आप किसी भी जगह पे जाके राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक कैसे करते हैं आप, शिफ्ट के बटन को होल्ड करते हैं प्रेस करके और राइट क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ जाता है ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हेयर या ओपन पावर शेल हेयर, ऐसे लिखा हुआ जाता है, ठीक है। करके देखो, शिफ्ट का बटन होल्ड करो और फोल्डर पे जाके ना किसी पे भी राइट क्लिक करो, ठीक है, ऐसे जैसे डेस्कटॉप पर गए, ठीक है, मेन डेस्कटॉप पे नहीं, जो अंदर ये इस जगह पे जाके जहाँ पे ये फोल्डर पीले पीले दिख रहे होते हैं, वहाँ पे जाके शिफ्ट प्रेस करो और राइट क्लिक करो, उसके बाद तो लिखा हुआ जाएगा ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हेयर या ओपन पावर शेल हेयर, आ रहा है लिखा हुआ। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर ना वहाँ पे एक एड्रेस बार बना हुआ आ रहा होता है, ऊपर एक एड्रेस बार बना हुआ आ रहा होता है विंडोज़ के अंदर, ठीक है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, विंडोज एक्सप्लोरर लिखता हूँ मैं, इमेजेस में जाता हूँ, ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जो जगह है यहाँ पे, इस ये एड्रेस बार कहलाता है ये, इस एड्रेस बार पे जब आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करके आप जो भी कुछ लिखा हुआ है ना उसको वहाँ से रिमूव करते हैं और वहाँ पे आप लिखते हैं सी एम डी और एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो उसी फोल्डर में वो टर्मिनल ओपन हो जाता है, उसी फोल्डर में क्या हो जाता है, वो टर्मिनल ओपन हो जाता है या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। तो ये मैंने दो तरीके बताए आपको, क्या तरीका बताया, नंबर एक बताया कि यहाँ पे खाली जगह पे आके ना, इस जगह पे आपने राइट क्लिक करना है, शिफ्ट को होल्ड करके, शिफ्ट को पहले प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है और फिर आपने राइट क्लिक करना है,
तो आपके पास लिखा हुआ जाएगा कि ओपन कमांड प्रॉम्प्ट हियर, और दूसरा मैंने बताया एड्रेस बार में जाके सीएमडी लिखेंगे आप एंटर कर देंगे तो भी ओपन हो जाता है। ठीक है, वैसे ये मतलब बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि कोई अगर बिल्कुल बिगनर है तो उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर किसी के पास कोई छोटा मोटा इशू आता है, किसी पॉइंट पे आप स्टक हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपने स्क्रीन की वीडियो बनानी है और व्हाट्सएप का जो ग्रुप है आपको उसमें शेयर कर देना है। ठीक है, तो हम में से कोई भी, मैं या आप स्टूडेंट्स में से कोई, अगर किसी को जवाब आता होगा तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, अच्छा तो ये समझ में आ गया। अच्छा, मैंने जाके करना क्या है, टर्मिनल के ऊपर ये मैं डेस्कटॉप पे गया, ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया। ठीक है, डेस्कटॉप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस डेस्कटॉप पे आके मैंने लिखना है गेट क्लोन, और इस स्पेस डाल के मैंने वो यूआरएल पेस्ट कर दिया जो मैंने कहाँ से कॉपी किया था, जो मैंने कॉपी किया था ये यहाँ गिटहब से, वो मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्या लिखा मैंने, गेट स्पेस क्लोन स्पेस और वो यूआरएल डाल दिया और मैंने एंटर कर दिया। इससे क्या हुआ, ये रिपोजिटरी पूरी क्लोन होके मेरे मशीन में आ गई है और मुझे डेस्कटॉप पे अब एक फोल्डर दिखना चाहिए जिसका नाम क्या है, माई फर्स्ट रेपो। ये देखो बन के आ गया, ये मेरे डेस्कटॉप पे ये फोल्डर बन के आ गया, माई फर्स्ट रेपो। ठीक है, अच्छा लेकिन जब आप ये लिखेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा एरर, आपके पास एरर क्या आएगा, वो बोलेगा गिट इज नॉट रिकग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, क्योंकि गिट आपके पास इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, आपके पास इस वजह से वो एरर दे देगा। अच्छा तो ये गिट इंस्टॉल कैसे होगी फिर, वो भी बता देता हूँ। आप गूगल पर जाएंगे, आप लिखेंगे सिर्फ गिट, सही है, गिट हब नहीं, गिट, और ये एक वेबसाइट आ गई है gitscm.com, इस वेबसाइट के अंदर चले जाना है आपने। ठीक है, ये आ रहा है डाउनलोड, इसको डाउनलोड करना है आपने और इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके, वैसे ही इंस्टॉलेशन के दौरान इसका कोई भी ऑप्शन आपने चेंज नहीं करना है, डिफॉल्ट सेटिंग पे उसको इंस्टॉल कर देना है। जाहिर है बिगनर है, मे बी गेटिंग स्टार्टेड में। ठीक है, तो अभी फिलहाल उसके किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को इंस्टॉलेशन के दौरान चेंज नहीं करना है, डिफॉल्ट सेटिंग पे उसको इंस्टॉल करना है। जब एक बार सीख जाओगे तो फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इंस्टॉलेशन के दौरान क्या चेंज करना है क्या नहीं करना। ठीक है, इंस्टॉलेशन का पता चल गया, ये गिट एस सी एम का लिंक भी मैं कहाँ डाल दे रहा हूँ, आपके पास एयर डॉट सिस वर्क पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, गिट इंस्टॉल करने का जो लिंक है, कितने लिंक अभी तक दे चुका हूँ मैं आपको, नंबर एक व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक, ठीक है, नंबर दो github.com का लिंक जहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है, नंबर तीन गिट जहाँ से डाउनलोड करना है वहाँ का लिंक मैंने दे दिया आपको। अच्छा तो वंस आप जब डाउनलोड कर लेंगे ना गिट अपने पास, तो आपके पास ना फिर ये कमांड चलेगी तो एरर नहीं आएगा। कमांड क्या है मेरे पास, गेट क्लोन और वो यूआरएल, इससे वो पूरी रिपोजिटरी उठ के कहाँ आ जाएगी, मेरे कंप्यूटर में आके सेव हो जाएगी। अच्छा मेरे कंप्यूटर में अब आके सेव हो गई, अब मैं क्या करूँगा, इस रिपोजिटरी को या इस फोल्डर को मैं किस में ओपन कर लूँगा, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लूँगा। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर लूँगा। टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने का तरीका क्या है कि मैं इस फोल्डर के अंदर जाके, जो माई फर्स्ट रेपो मेरे पास आई है ना, इस फोल्डर के अंदर जाके, अच्छा यहाँ पे अब एक चीज़ नोट करना, ये जो फोल्डर है ना ये कोई आम फोल्डर नहीं है, ये फोल्डर जो है ये कोई आम फोल्डर नहीं है, ये गिट की रिपोजिटरी है। इसकी पहचान क्या है कि छोटा सा ना डॉट गिट देखो यहाँ पे बना हुआ रहा होगा, ये एक हिडन फाइल है इसलिए थोड़ी ये डिम दिख रही है। ठीक है, आप हिडन फाइल अगर आपके पास शो नहीं हुई भी ना तो आप शो करेंगे तो फिर आपको दिखेगी ये। ठीक है, अदरवाइज हिडन फाइल नज़र नहीं आती बाई डिफॉल्ट, वो व्यू में जाके ना चेक लगा देंगे कि शो हिडन फाइल, तो आपको ये नज़र आने लग जाएगी। तो ये फोल्डर ये कोई आम फोल्डर नहीं है, ये गिट की रिपोजिटरी है। अब ये इसके अंदर क्या खास बात है ये आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे, हमें पता चलती जाएगी। अब करना क्या है, इसमें कोई छोटी सी चेंजेस करूँगा मैं, और ये छोटी सी चेंजेस करने के बाद इसको वापस गिटहब में भेजूँगा। ठीक है, हमेशा आपका वर्क फ्लो यही होना चाहिए कि आप रिपोजिटरी ब्लैंक बनाएंगे वहाँ पे, उसको क्लोन करेंगे, क्लोन करके चेंजेस करेंगे, कुछ चेंजेस करके वापस भेज देंगे। अभी वापस भेजना हमने सीखा नहीं है, अभी सीखते हैं वो। अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे आप आए, मैंने कोई क्लास में असाइनमेंट दिया, आप कैसे शुरू करेंगे असाइनमेंट, पहले गिट पे जाके आप बनाएंगे एम्प्टी रिपोजिटरी, उसको क्लोन करेंगे, क्लोन करके उसके अंदर अपना कोड लिखेंगे, आप कोड लिख के यहाँ से घर जाने से पहले उसको वापस पुश कर देंगे, उसका
जो टर्मिनोलॉजी है पुश करना कहते हैं उसको, वापस पुश कर देंगे आप, ठीक है। अच्छा घर गए फिर आप, अब घर जाके आपको वो पोर्ट दोबारा चाहिए, उसमें मजीद चेंजेस करनी है, आप उसी रिपोजिटरी में जाएंगे, कोड वहाँ पे मौजूद है, यहाँ से जो किया है वो मौजूद है कोड, उसको आप अपने घर के कंप्यूटर में क्लोन करेंगे तो वो सारा कोड आपके पास आ जाएगा, फिर चेंजेस करेंगे पुश कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हार्ड ड्राइव जो होती है उसका कोई पता थोड़ी है कभी भी ख़राब हो जाती है। आप इमेजिन करें पूरे 6 महीने आपने जो असाइनमेंट्स बनाए हैं, जो टास्क बनाए हैं आपने, एक पोर्टफोलियो है वो आपका कि आपने ये चीज़ सीखी है, एक एविडेंस है, कल को किसी को आपको दिखाएंगे तो उसको बिलीव होगा कि हाँ यार आपको कुछ चैटबॉट बनाने आते हैं। अगर इमेजिन करें आपके पूरे 6 आखिरी क्लास जिस दिन है उस दिन आपकी हार्ड ड्राइव ख़राब होगी, क्या करेंगे फिर आप, ख़त्म सारा डेटा, ठीक है। और फिर बात वही है कि जंगल में मोर नाचा किसने देगा, इस क्लास में आप जितनी भी अच्छी प्रोग्रेस कर लें, जितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा मैं किसी 4 दोस्तों में बैठूंगा, मैं कहूँगा यार फला लड़का है क्या भाई बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है। वैसे वो ये सुनने के मूड में भी नहीं होते, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो चाय के होटल पे बैठेंगे या कहीं गैदरिंग में होंगे तो वहाँ पे ये वाली बातें सुनने के मूड में नहीं होते वो, ठीक है ना। आप लोगों को बेहतर पता है कि वो क्या सुनने के मूड में होते हैं, तो ऐसा शायद हो भी ना, ठीक है, ऐसा शायद हो भी ना कि मैं आपका जिक्र करूँ वहाँ पर। तो और ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आप में से कोई दूसरा स्टूडेंट है वो कहीं काम वाम करता होगा, बता देगा कि यार ये काम वहाँ पे अच्छा सीख रहा है आपको वो। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोड शेयर करेंगे और आपने जो भी बनाया है उसकी वीडियो बना के आप फेसबुक पे डालेंगे, मैं तो डालूंगा आप भी डालेंगे, ठीक है, उससे ये होगा कि दुनिया को पता चलेगा, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। जो मोर होता है वो कहाँ रहता है, है? नहीं नेचुरली कहाँ रहता है, पहाड़ों के ऊपर। अच्छा जंगल भी बहुत तरह के होते हैं, एक होते हैं रेन फॉरेस्ट जो बिल्कुल ग्रीन होते हैं जहाँ पे सांप वगैरह होते हैं, एक होते हैं जंगल ऐसी झाड़ियाँ उग जाती हैं उसको भी जंगल बोलते हैं, एक होते हैं नॉर्मल जंगल जो हमारे पास है के दरख्त वगैरह तो हुए हैं, जंगल की भी 3-4 कैटेगरीज होती हैं। अच्छा मोर जो है ना वो सहरा में रहता है, ठीक है, सहरा का जानवर है। ये मुहावरा वैसे गलत है कि जंगल में तो रहता ही नहीं है मोर, मोर रहता है सहरा में या पहाड़ों पे, जो इसने कहा। अच्छा मोर खाता क्या है, सांप खाता है, ठीक है। ऐसे देखने में बड़ा खूबसूरत सा लगता है ना, ऐसे क्यूट सा लगता है, बड़े मोर क्या प्यारा है, उसके पर कॉपी के अंदर सजा के रखते हैं। मोर जो है वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, ठीक है, और बंदे भी मार देता है वो, जी हाँ। ये जो जैसे बाज होते हैं ना, बड़े क्लॉज होते हैं, खतरनाक जानवर होता है, तो मोर भी खतरनाक जानवर है बड़ा, ठीक है। नहीं मुझे, मैं असल में होने वाला था मेरे साथ सीन, बच गया मैं। हाँ सांप खाता है ना, उसकी जुदाई वही है, मेनली वो सांप खाता है, वैसे और भी चीज़ें खा लेता है लेकिन वो सांप खाता है। गोश्तखोर जानवर है, जैसे चील होती है ना वो बाज होते हैं, गोश्तखोर है जानवर ये अपना मोर। तो एक दफ़ा मैं गया किसी टूर वोर पर, ट्रिप पर, बहुत पुरानी बात है, तो वहाँ पे मैंने देखा यार जंगल वो सहरा में ना मोर घूम रहा था एक, और मैंने कहा यार ये मोर यहाँ क्या कर रहा है, कह रहे यहीं पे रहते हैं ये। मैंने कहा यहीं पे रहता है, मैंने कहा चल आ जाए इसके पास चलते हैं, कह रहा भाई करीब भी मत जाना इसके, ये ऐसा मारेंगे ना कि फिर घर वाले पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि जब वो पिंजरे में रहता है तो क्या डोमेस्टिकेट हो जाता है, वो डोमेस्टिकेटेड होते हैं जो हमारे पास होते हैं, जो लोगों ने घर भर में पाले होते हैं, छोटे चूजे पालते हैं वो, उसको पता ही नहीं होता है, उसकी स्टिंक अगर जागती भी है ना कभी तो वो हल्का सा आपका वो दबाए वबाएगा उसका, उससे ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो पूरा ज़िंदगी जिसने सहरा में गुजारी है ना लड़ाई भड़ाई करते हुए, तो वो उस मोर के करीब जाना भी सेफ नहीं है, तो उसने कहा भाई ये इसके करीब मत जाना, अगर ये आए ना भागता हुआ तो आपने दौड़ लगानी है, और उड़ता भी है वो भाई, ज़रा कह रहा है ये भागोगे भी तो शायद ही बचो क्योंकि उड़ के आता है ये, और वो वहाँ पर मज़े से नाच रहा भी होता है सहरा में। तो सहरा में ना कोई जाएगा ना कोई देखेगा, तो मुहावरा एक तरह से सही भी है, सहरा में कौन जाता है, कोई भी नहीं जाता, आमतौर पर बियाबान ही होता है, सुनसान पड़ा हुआ होता है, कुछ साल के मौसम ऐसे होते हैं जहाँ गलती से वहाँ बारिश हो जाती है, बाकी दिन धूप ऐसी सख्त होती है। तो आपको क्या करना है, रहना तो आपको सहरा में ही है और नाचना भी आपको सहरा में ही, जाहिर है जो जहाँ आपकी जगह होती है मोर के रहने की वो सहरा होता है, लेकिन उसकी वीडियो डालनी है आपने फेसबुक के ऊपर, वीडियो कहाँ डालनी है फेसबुक के ऊपर, और कोड आपने कहाँ डालना है गिटहब में। अच्छा चलो ये तो हो गई एक मजाक की बात,
अच्छा, तो अब इसको अब करना क्या है, इसको मुझे किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना है। इसको मुझे क्या करना है, किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करना है ताकि मैं इसमें कुछ कोड लिख सकूं। ठीक है, अच्छा, मेरा जो टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर ऑफ चॉइस दैट इज VS कोड, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, एक होता है विजुअल स्टूडियो, वो अलग है, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, ये नोट पैड की तरह है, नोट पैड होता है ना, नोट पैड प्लस प्लस, ये वही है बस। तो ये छोटा सा होता है काफ़ी, विजुअल स्टूडियो तो इंस्टॉल करेंगे वो पूरी रात में इंस्टॉल होता जाएगा, बहुत बड़ा सारा होता है वो, बस 50 GB का होता है पता नहीं, ये छोटा सा होता है। अच्छा, तो ये आप गए इसके अंदर, ये वेबसाइट आपकी ओपन हो गई, डाउनलोड फॉर मैक लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज या लिनक्स, जिस पे भी आप हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आपने क्लिक करना है, डाउनलोड होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसका भी मैं लिंक कहाँ डाल देता हूँ, ar.sysborg पे मैंने लगा दिया, ठीक है, ये लिंक कोई डिलीट मत कर देना भाई। अच्छा, इसको कॉपी करके मैं उस पर भी डाल दूंगा ग्रुप में ना, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद कॉपी करके मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। अच्छा, तो मेरे पास वो ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं खोलूंगा विजुअल स्टूडियो कोड, ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। अच्छा, इसमें पहले मैं कुछ कोडिंग कर रहा था, वो ओपन हुई हुई थी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा फाइल में, ठीक है, फाइल में जाने के बाद मैंने करना है ओपन फोल्डर, ओपन फाइल कभी भी नहीं करना, ठीक है, ये ओपन फाइल ये वाला है, हमें हमेशा इसमें ओपन फोल्डर करना है। अगर आप ओपन फोल्डर नहीं करेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन शो नहीं होंगे, तो आप फिर मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार सर के पास तो ये ऑप्शन आ रहे थे, मेरे पास तो आ रहा ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है, तो आप स्टक हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप इसमें ओपन फोल्डर करेंगे, ठीक है, ओपन फोल्डर जैसे ही करेंगे आप, तो ये आपके पास क्या आ गया, आप पूछ रहे हैं कि भाई बता दो कौन सा फोल्डर है, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा डेस्कटॉप पे, जहाँ पे मैंने मेरी रिपोजिटरी का फोल्डर है, उसके बाद ये माई फर्स्ट रेपो आ गया, और इस माई फर्स्ट रेपो पे क्लिक करके मैंने इसको ओपन कर देना है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेरे फोल्डर का नाम लिखा हुआ आ गया। एग्जैक्टली ऐसे ही आपके पास भी आपके फोल्डर का नाम आना चाहिए, अगर तो यहाँ पे कोई ऐसे फाइल आ रही है ना, यूँ खुलने बंद होने पे कोई फाइल आ रही है यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो वो सही नहीं खुला, इसका मतलब है, ठीक है, आपके पास ऐसे फोल्डर का नाम आना चाहिए। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, एक अदद टेक्स्ट एडिटर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के दरमियान कोडिंग लिखने के लिए, इस टेक्स्ट एडिटर को इस्तेमाल करते हैं वो, ठीक है। अच्छा, ये जो टेक्स्ट एडिटर है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ रहा है, इस बटन का क्या नाम है, न्यू फाइल, ठीक है, वैसे आप न्यू फाइल जाके वहाँ से भी बना सकते हैं, जो एक्सप्लोरर होता है ना, फोल्डर होता है, वहाँ से भी बना सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन है, दोनों सही है, तो मैं क्या, मैं यहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, इस बटन को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि नई फाइल जो आपने बनानी है उसका नाम क्या होगा। अच्छा, अभी हमने कोडिंग तो सीखी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, टेक्स्ट, ठीक है, .txt वाली फाइल बना लेते हैं, सिंपल जो टेक्स्ट फाइल होती है। तो मैंने कहा कि माई टेक्स्ट फाइल .txt, ठीक है, एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, ये वैसे भी खुल जाती है, डबल क्लिक करो ना, नोट पैड पर ओपन हो जाती है ये फाइल, ठीक है, .txt, ये मैंने एक फाइल बना लिया, ठीक है, और मैंने क्या लिखा, इस फाइल में कुछ लिखना भी पड़ेगा मुझे, जाहिर है, कुछ लिख देता हूँ छोटा मोटा, क्या लिखूँ, दिस इज माई फर्स्ट फाइल इन सैलानी AI, सैलानी का भी अस बड़ा कर देते हैं, सैलानी AI चैटबॉट क्लास, ठीक है, -2, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दिया इसके अंदर। अब बारी है कि इसको मैं वापस GitHub में कैसे भेजूं, इसको क्या करना है मुझे, वापस GitHub में कैसे भेजूं, अब वो मुझे देखना है। ये फाइल लिख लिया मैंने, इस फाइल को अब मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, फाइल क्लोज हो गई, सेव हो गई। अब जो मैं टर्मिनल खोलता था ना, इस टेक्स्ट एडिटर में एक शॉर्टकट भी है उसका, टर्मिनल खोलने का, आप क्या करेंगे, ये ऊपर टर्मिनल लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे ऊपर, और न्यू टर्मिनल का बटन दबा देंगे, तो ये नीचे क्या बना हुआ जाएगा, वही टर्मिनल, वही CMD,
वही कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे नीचे खुल जाएगा, ठीक है, इसमें वो सारी कमांड्स काम करेंगी। अच्छा थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि कमांड्स अच्छे से दिखें। ये मेरी टेक्स्ट फाइल ऊपर ओपन हुई हुई है, नीचे मेरे पास टर्मिनल ओपन हुआ हुआ है, सही है ना, अच्छा टेक्स्ट एडिटर है, टर्मिनल डायरेक्ट यहाँ पे खुल जाता है इसके। अब यहाँ पे आके मैंने लिखना क्या है, यहाँ पे आके मैंने लिखनी है तीन कमांड। क्या लिखनी है यहाँ पे मैंने, तीन कमांड। नंबर एक गिट एड स्टैटिक और एंटर, नंबर एक कमांड हो गई। अच्छा ये कमांड मैं इसका आर्टिकल भी एक बता देता हूँ, गिट। अच्छा ये वैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ भी रहा है भाई, देवे ना ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ, जब आप एम्प्टी रिपोजिटरी बनाते हैं ना तो यहाँ पे भी लिखा हुआ रहता है गिट एड, लेकिन ये उस सीक्वेंस से नहीं लिखा हुआ। चलो खैर मैं वो आर्टिकल बता देता हूँ आपको, छोड़ो बल्कि आर्टिकल को भी छोड़ो यार, वैसे ही मैं अलग से टाइप कर दूंगा ये तीनों कमांड। तीन कमांड है, बहुत बेसिक है, क्योंकि आर्टिकल के चक्कर में बड़ों के कन्फ्यूज ना हो जाओगे। गिट एड स्टैटिक नंबर एक कमांड ये हो गई। नंबर दो कमांड गिट कमिट माइनस एम और उसके बाद डबल कोटेशन में एक मैसेज। ये मैसेज क्या बता रहा हूँ मैं, ये मैसेज ये बता रहा हूँ कि अभी मैंने कोड में लिखा गया है, ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट कमिट और एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया इसने देखे मुझे मैसेज दिया कि वन फाइल चेंज वन इंसर्शन और फाइल का नाम बता दिया कि कौन से वाले में हुए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, गेट पुश ओरिजिन मेन, एक मिनट देख लेता हूँ, मेन ही है ना, सही है, गेट पुश ओरिजिन मेन। अब ये जो तीनों कमांड है ना इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके कहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एयर डॉट सिस बॉर पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, नंबर एक कमांड सही है, उसके बाद नंबर दो कमांड। अच्छा ये मैसेज जो है ना जो डबल कोटेशन में लिखा हुआ ये कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी का कोई भी एक मैसेज हो सकता है ये, ठीक है ठीक है। ये तीनों कमांड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया जो वापस भेजने वाला है। अच्छा इस क्लास की मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ क्योंकि पहली क्लास है आज की, तो ये क्लास के बाद मैं इसको यूट्यूब पर डाल के आपको लिंक भी दे दूँगा, तो ये पूरी वीडियो का भी एक्सेस होगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि मैं मतलब पहली क्लास में ऐसा लग रहा होगा कि यार बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, लेकिन ये बहुत ओवरवेलमिंग नहीं है। आप थोड़े दिनों में ना डेली ये काम कर रहे होंगे, जो आप अभी बैठे हैं ना सारे लोग, आप थोड़े दिनों में यानी नेक्स्ट वीक तक डेली आप ये काम कर रहे होंगे, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। ये पहली दफ़ा की वजह से आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग आज फील हो रहा होगा, लेकिन बिलीव मी ये इतना ओवरवेलमिंग नहीं है, ये बहुत सिंपल सी कमांड्स हैं, आपको ये याद हो जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। चलो अच्छा तो जब मैंने यहाँ पर ये तीनों कमांड रन कर दी तो ये कोड मेरा कहाँ चला गया, वापस गिटहब में चला गया, जाके देखते हैं वापस। अच्छा अभी तक तो यहाँ कुछ शो नहीं हो रहा था मेरे पास, इसी पेज को मैं जाके ये गोल बटन दबाऊंगा और रिफ्रेश करूँगा मैं इसको, तो यहाँ पे वो कोड शो हो जाना चाहिए। देखो माई टेक्स्ट फाइल शो हो गया, इसके अंदर जो खोला मैंने तो ये जो बात मैंने लिखी थी वो भी यहाँ आ गई। अभी मैंने टेक्स्ट लिखा है, कल को मैं इसी में कोड लिखूंगा, आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अब जल्दी से ना सारे लोग ये करो अपने पास, हो जाएगा, बहुत सिंपल सा काम है। github.com पे जाके एक फाइल अकाउंट बनाना है, वहाँ पे एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, उसको क्लोन करना है अपनी मशीन में, और मशीन में क्लोन करने के बाद उसमें फाइलें कुछ डालनी है, एक दो टेक्स्ट फाइल, अच्छा इमेजेस भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट फाइल भी डाल सकते हैं, वीडियो फाइल भी, जो फाइल आप चाहें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और फिर उसको वापस github में भेजना है, ठीक है। कमांड आपके पास मौजूद है air.sysborg पे, सारे लिंक्स मौजूद हैं, तो जल्दी से हम इसकी जो है ना एक प्रैक्टिस कर लेते हैं सब लोग, ठीक है। चलो जी पीसी पकड़ लो ना पीछे कहीं। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप है जो यहाँ बैठे हैं, तुम हो लैपटॉप हो यार, एक काम करो अगर तुम आगे आ जाओ ना फ्रंट पे तो ये वहाँ चला जाएगा, ये पीसी नहीं चल रहा है, तो तुम काउंटर पे जाके उनको बताओ कि ये पीसी नहीं चल रहा ना, वो इसको चला देंगे।